स्टूडेंट, आप जब बच्चा वन क्लास में जाता है तभी मैंने ये पढ़ा कि जब बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तो कम से कम वो 10,000 वॉट पीते हैं। कितने साल का बच्चा होता है तो 10,000 वॉट पीता है? 7 से 8 साल के या 6 से 7 साल का बच्चा है तो नियरली 10,000 वॉट उसके पास होती है। और साथ ही वो ये भी जान लेता है धीरे धीरे कि गलत क्या है और सही क्या है, और फिर उसका रैशनल पावर स्ट्रांग होता जाता है और वो बहुत अच्छी तरह से जिसको क्लीव कहा जाता है क्लीव करने लगता है कि एकदम बारीकी से ये गलत हो सकता है नहीं सही। लेकिन अफसोस इस बात का है, पता नहीं कैसा वातावरण का दोष है कि टीचर का दोष है कि आपका खुद का है कि आपको ये नहीं पता है कि अच्छा काम क्या होता है। ये जरूर अपने मम्मी पापा की बात माने होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो इसकी मम्मी या पापा कहें वो इसके उल्टा जाए। मान लेते हैं 20% 30% अगर ये ऑडिट गए तो 80% तो एग्री है ना भाई, यही एक अच्छा काम। एवरी डे नहा धोकर मैं स्कूल आता हूँ, यही एक अच्छा काम है, आगे नहीं आता। बहुत सारे अच्छे काम, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर वो घट जा जाए 10 आदमी के बीच में या इतनी देर हिंदी में जब आप कहेंगे कि मैं ये अच्छा काम करता हूँ तो आपके मन में एक थोड़ी सी एक बात तो पैदा हो ही जाएगी कि हाँ यार मैंने इतने लोगों के सामने कहा है तो मुझे इसकी लाज बचानी है, मुझे अच्छा काम और भी करना है। बस मकसद ये। लेकिन अफसोस की स्टेट है स्टूडेंट और इनको पता ही नहीं कि अच्छा काम क्या है। खैर एनीवे, जो अच्छा बनेगा अच्छाई उसके लिए, बुरा बनेगा बुराई उसके लिए। टीचर से केवल काम है बताना और आपका काम है उसको फॉलो करना या ना करना। मैं लास्ट ईयर बताया था कि जब आपके घर पे गेस्ट आएंगे तो आप उनको कैसे डील करेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, आपकी एक्टिविटीज क्या। कितने लोगों को पता है? पता है तो मैं चाहूंगा कि वो चीज जो है सबसे छोटा क्लास जो है स्टैंडर्ड 4, मैं और एक टीचर के कैंडिडेट को बुलाऊंगा, मैं अलिहंद्रा को बुलाऊंगा और नैतिक को बुलाऊंगा। ये लोग आएंगे और बताएंगे कि गेस्ट को कैसे रिसीव करते हैं, मैं क्या बोला था वो यहाँ आकर बताएंगे। और फिर इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू सीट अंदर चेयर पे कैसे बैठना होता है, क्या प्रॉपर थिंकिंग है उसकी। पहले ये लोग आएंगे, चलिए अलिहंद्रा और नैतिक क्लास 4A। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। रिस्पेक्टेड ऑल टीचर, किससे मिले
that the coordinators and RRPs are admitted. A very, very beautiful morning to all of you. My name is Anjan, the internet portal. I want to tell guest Rishi. Guest हमारे घर पर knock करते हैं तो हम उनको हंसी हंसी नमस्ते या सलाम करेंगे और उनको अपने गेस्ट रूम में लेके जाके बैठा लेंगे और अपना नाम बताएंगे और उनको पानी के साथ कुछ सर्व करेंगे और उनका नाम और उनका कहाँ से आए हैं ये पूछेंगे और बोलेंगे आपके पापा या भैया से मिलना है तो हम उनको बुला लेंगे अगर होंगे तो नहीं होंगे तो बोलेंगे कोई मैसेज है तो मैं उनको दे दूंगा और कहीं अगर गलत जगह आ गए हैं तो हम बोलेंगे आपको मैं उस घर तक छोड़ देता हूँ मैं घर तक छोड़ दूंगा और उसके बाद वो गेट नॉक करूंगा फिर अंदर उनको छोड़ दूंगा फिर पूछूंगा कि अब मैं जा सकता हूँ थैंक यू बहुत बहुत इन दोनों बच्चों को बधाई कांग्रेचुलेशन कि इन्होंने ये मेमोराइज किया है और उम्मीद है कि सबको ये पता होगा कि आपको बिहार में है आज मैं ये बता रहा हूँ कि आप चेयर पे कैसे बैठते हैं ये अजीत सर बोलिए मानो से एक चेयर है देखो चेयर पे बैठने का तरीका जो है हम चेयर पर जो गलत वे है ये सबको नहीं बैठना चाहिए पहले मैं वो बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि कैसे बैठना है चेयर पे जब भी हम बैठेंगे तो इस पैटर्न में नहीं बैठेंगे नेवर सिट ऑन द चेयर बाय इस पैटर्न यानी बहुत लोगों को देखा कि चेयर पे बैठते हैं और दोनों पैर जो है चेयर के ऊपर पास में आके बैठ जाते हैं ये गलत है बहुत लोगों को देखा कि चेयर के आर्म्स पे बैठ जाते हैं चेयर के आप तो बैठेंगे ऐसे करके बैठेंगे इधर बैठेंगे ये भी गलत तरीका है बहुत लोगों को ये देखा गया है कि चेयर पे बैठे हैं एक पैर स्टैटिक फ्लैट पे एक नीचे है ये भी गलत तरीका है बहुत लोग चेयर पे बैठते हैं और चेयर को रॉकिंग करते हैं ऐसे बैठते देखो बैठ गए और ऐसे कर ये भी गलत तरीका है ऐसे कभी नहीं बैठे आप प्रॉपर तरीके आप चेयर पे जब भी बैठे ठीक है तो बिल्कुल ऐसे बैठ सकते हैं ये प्रॉपर तरीका है लेकिन ऐसे आप नहीं बैठेंगे जब आपके सामने कोई सीनियर बैठा हो तो लेकिन अगर आपके इक्वलाइज कोई है या आपका फ्रेंड है तो आप ऐसे बैठ सकते हैं लेकिन सीनियर के सामने पैर फैलाकर ऐसे आप नहीं बैठेंगे बड़ों के सामने ऐसे नहीं बैठेंगे आई बात समझ रहे दूसरी चीज है ऐसे कुछ लोग बैठते हैं ये भी आप अपने सीनियर के सामने नहीं बैठेंगे हाँ अगर आपका जूनियर है या आपके इक्वल है तो ऐसे बैठ सकते हैं ये तरीका है एक चीज और है कि जब भी आप चेयर पर बैठे तो मैंने ये देखा कि बॉडी का मूवमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए मैं ये देखा कि चेयर पर बैठे हैं और बॉडी को कभी लेफ्ट साइड राइट साइड इधर से उधर करते हैं और यहां तक शेकिंग करते हैं कि चेयर के जो लेग्स हैं ये भी डिसलोकेट होना शुरू हो ये भी हुआ है तो कितने लोगों को पता होंगे कि चेयर पर कैसे बैठना चाहिए एक बार और बता रहा हूं सबसे आइडियल तरीके चेयर पे कैसे बैठते हैं देखो ये सबसे आइडियल तरीका है ऐसे बैठ सकते हो कितने लोग ये पता हो गया कि गेस्ट को कैसे रिसीव करते हैं और चेयर पे कैसे बैठते हैं पता हो गया नेक्स्ट है अदर एक्टिविटीज बताऊंगा आई होप यू विल फॉलो एंड है इसको बिहेव करा है अदरवाइज केवल जानोगे अब करोगे नहीं तो पर्सनालिटी जैसी रहती है नेक्स्ट हो